अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अभिषेक, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए 50 ठिकाने, जिससे ये तो साबित हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे तार हैं जो अभी शिकंजे में आ सकते हैं वो शख्स। पुष्पराज जैन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? इनके जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है, कुछ बरामद हुआ क्या अभी तक? देखिए बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई है और ये छापेमारी जो शुरू हुई है अभी कुछ देर पहले, उससे उम्मीद की जा रही है कि कई चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन जो जिन लोगों के यहाँ पर ये छापेमारी हो रही है, वो कहीं ना कहीं सियासत का एक बड़ा सवाल बन गया है। समाजवादी पार्टी के MLC पुष्कर राज, यानी कि पम्मी जैन जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ साथ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कन्नौज में चल रही है। जो मलिक परफ्यूम के मालिक है, मलिक मियां, उसके ठिकाने पर भी ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि और भी ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। और देखने वाली बात है कि आज अखिलेश यादव कन्नौज में ही है और वो वहां पे प्रेस वार्ता करने वाले थे। इसके लिए बकायदा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि इस डर से कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश है। इस कार्रवाई में क्या कुछ निकल के आ गई तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बात जरूर साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो कवायद शुरू हुई है, जिसकी रेड की शुरुआत कानपुर से लेकर कन्नौज तक, फिर अब दोबारा कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कवायद है, इसको लेकर के सियासत भी जोर पर है। जी बिल्कुल, लेकिन अभिषेक एक बात तो ये भी साफ हो रही है कि पुष्पराज जैन, जिसका सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है, अगर कुछ बरामद होता है तो सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़े होंगे। देखिए बिल्कुल, यही कारण है कि बार बार इस कार्रवाई को लेकर के सरकार के तमाम मंत्री भी सवाल उठाते रहे हैं। इत्र की खुशबू और इत्र का दुर्गंध अब इस तरीके से फैल गया है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए और एक तरफा राजनीति करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पहले भी हमने देखा, पीयूष जैन के घर पर 200 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी होती है, इसको लेकर के जो कनेक्शन सामने आता है, लेकिन बार बार दोनों पार्टियां इसको झुठला रही हैं। लेकिन पम्मी जैन, इनकी अगर आज भी छापेमारी में कोई बरामदगी होती है तो वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये वही पम्मी जैन है जो समाजवादी इत्र को लॉन्च कराने वाले थे, इन्होंने उसका लॉन्चिंग कराया था। यानी कि अगर ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर देखिए कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर के टीम वहां पहुंची है और अभी भी कुछ देर पहले ये कार्रवाई वहां पे शुरू की गई है।